हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके पास जनवरी में जो परीक्षा होने वाली है उसका टाइम टेबल आ गया होगा, है ना? तो फिर से याद दिला दूं आपको, परीक्षा के अंदर आपको सभी लेसन पढ़ने हैं, बराबर। आप जब भी लिखो लेसन की कहानी याद रखोगे तो प्रश्न के उत्तर लिखने में तकलीफ होगी नहीं, बराबर। अब हम लेसन नंबर 15, खरगोश और हाथी, जो एक कहानी है, बराबर। तो कहानी की इस लेसन के अंदर हम स्वाध्याय के प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं, बराबर। तो स्वाध्याय के प्रश्न के अंदर प्रश्न नंबर 2 है, क्या है? मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी गुजराती, हिंदी नहीं। हिंदी कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा, बराबर, ध्यान में रखना। तो मातृभाषा गुजराती, अनुवाद यानि भाषांतर। गुजराती की पेपर में आप लिखते हो या प्रश्न पूछा जाता है, गुजराती में भाषांतर करो, बराबर। सॉरी, अंग्रेजी के पेपर में तो वो पहला है, सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। सरोवर के किनारे, तो उसका गुजराती क्या करेंगे? सरोवर ना किनारे गीली जमीन थी। गीली यानि भीनी, जमीन थी यानि हती। सरोवर ना किनारे भीनी जमीन हती, बराबर। हम चांद के भांजे हैं। हम यानि अमे, चांद के, चांदना, चंद्रना, भांजे, भांजे यानि भांजे किसे कहेंगे? बहन के लड़के होते हैं वो भांजे, बराबर। तो गुजराती में उसे कहेंगे भाणेज। अमे चांदना भाणेज है यानि छिए। अमे चांदना भाणेज छिए। अब तीसरा, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। हाथियों के झुंड में, हाथियों यानि हाथियों ना, झुंड में, टोड़ा मा, झुंड यानि टोड़ू, में मा, कुछ कोइक शरारती हाथी थे। शरारती यानी तूफानी, मस्तीखोर हाथी थे, हाथी हता। हाथी ओना टोड़ामा कोइक तूफानी अथवा तो शरारती अथवा तो मस्तीखोर हाथी हता। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। खरगोशों के सरदार ने, खरगोशों के ससलाना, खरगोश यानि ससलों, खरगोशों ससलाओना, सरदार ने, सरदारे, मुखिया जी ने किए ना अपने, ते एक उपाय सोचा, एक युक्ति विचारी अथवा तो एक उपाय विचारे। ससलाओना सरदारे एक उपाय विचारियो, बराबर। तो ये हमारे गुजराती में अनुवाद था, जो आपको नोट में अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखना है, बराबर। अब इसके आगे प्रश्न,
संदर्भ पुस्तक पढ़कर पता करो और लिखो कि पूर्णमासी कब होती है और अमावस्या कब। तो पूर्णमासी, पूर्णमासी यानी पूनम, जेनो चांदो गोल होय छे, और अमावस्या यानी अमास, जिसमें चांद दिखाई देता नहीं है, बराबर। अब उसकी कुछ माहिती आपको दूं, तो हमारे जैसे अंग्रेजी महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, वैसे हमारे गुजराती महीने भी है, कार्तक, माक्षर, पोष, महा, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, अषाढ़, श्रावण, भादरवा और अश्विन। तो ये हमारे गुजराती महीने हैं। अब ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है कि गुजराती महीने के अंदर, अंग्रेजी महीनों के अंदर तारीख देखते हैं हम 1, 2, 3, 4, 1 से 30, वैसे गुजराती महीनों के अंदर हम तिथि देखते हैं, एकम यानी कि पड़वा, बीज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, इस तरह से 15 दिन यानी कि पूनम, फिर से एकम, बीज, तीज, 15 दिन होते हैं और वह है अमास, बराबर। तो हमारा अभी दिवाली के दूसरे दिन नया साल था, जब आप लोग सबके घर नए साल यानी कि साल मुबारक करने गए थे, तो गुजराती महीनों के हिसाब से हमारा ये पहला दिन था, बराबर। तो ये कार्तक महीना, कार्तक महीना के 15 दिन बीत, 15 दिन जो 15वां दिन आया, उस दिन पूर्णिमा यानी कि देव दिवाली आई, समझ गए आप, यानी कि इस दिन चंदा गोल दिखाई दिया। शुरू में वो पीले कलर का था, लाल कलर का, ऑरेंज कलर जैसा दिखाई दिया, धीरे धीरे से वो समय जाते जाते वो सफ़ेद रंग का हो गया, पर गोल था। उसके बाद 15 दिन गए और अमास आई, जिस दिन हमने चांद देखा नहीं, यानी कि पूर्णिमा के दिन ये चंद्र ऐसे दिखाई देता है, फिर धीरे 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 इस तरह से कटता जाता है, यानी कि फिर चंद्र इस तरह से दिखाई देता है, है ना, और फिर बाद में चंद्र दिखाई देता नहीं है और वह है अमावस, अमावस यानी अमास, बराबर। तो शुक्ल पक्ष के 15 दिन और कृष्ण पक्ष, दो पक्ष हैं जिन्हें गुजराती में हम सुद और वद कहते हैं, बराबर। तो इस तरह से चंद्रमा पूनम के दिन हमें दिखाई देता है और धीरे धीरे अमावस्या के दिन चंद्र क्यों नहीं दिखाई देता है, तो पृथ्वी की छाया में ये चंद्र आ जाता है, यानी कि मैं यहाँ हाथ रखती हूँ तो आपको मेरे पीछे दिखा हुआ ये जो चांद है वह नहीं दिखाई देगा, यानी कि ये मेरी पृथ्वी समझ लो और उसकी छाया में ये चंद्र आ गया तो आपको नहीं दिखाई देता है, बराबर। तो इसीलिए ये जो छाया आ गई वह अमावस,
बराबर। तो यह इसका राज है कि अमावस को चांद क्यों नहीं दिखाई देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूर्णिमा के दिन यानी कि पूनम के दिन चंद्र कैसा दिखता है और क्यों दिखता है, और अमावस्या के दिन चंद्र क्यों नहीं दिखाई देता है। बराबर। तो ये दो प्रश्न आपको आपकी नोट में समझ कर लिखना है, और परीक्षा के लिए सभी लेसनों की तैयारी करनी है। बराबर। अब हमारा एक 16वां लेसन भी बाकी है जो ख़त्म हो जाएगा, तो 16 लेसन, 1 से 16 लेसन हमें कंप्लीट करने हैं। बराबर। तो आप अच्छे से ध्यान से समझ कर लिख लेना। बराबर। ओके, थैंक यू।